Hello student, good morning. Welcome to RPS online classes. Today we are discuss chapter 2 the topic of screen saver topic mein. Screen saver hota kya hai wo maine already pehle se yahan pe write kar diya hai, aap isse notes bana lenge. Screen saver is an animation which replace an unchanging computer display after a period of inactivity. एक ऐसा एनिमेशन होता है, ये एक्टिव कब होता है, जब आप इनएक्टिव रहते हैं. जब कंप्यूटर डिस्प्ले जब इनएक्टिव होता है तब ये चीज क्या होता है कि स्क्रीन सेवर आपके स्क्रीन पे एक्टिव होता है. कहने का सेंस कि जब भी आप कंप्यूटर को ओपन करके और उसको आप एज यूजुअल छोड़ देते हैं, कोई वर्क नहीं उसमें हो रहा होता है जब वो इनएक्टिव होता है. मीन्स की जब हम इनएक्टिविटी करते हैं, कोई भी वर्क नहीं हो रहा, तो स्क्रीन पे कोई भी पिक्चर्स या कोई भी नेम या कोई भी इन्फॉर्मेशन जो अपने आप एनिमेटेड होते हैं, यानी कि मूवमेंट में होते हैं, कोई पिक्चर आ रहे हैं या कोई नेम है जो बार बार आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीन सेवर. स्क्रीन सेवर इज एन एनिमेशन विच रिप्लेस एन अनचेंजिंग कंप्यूटर डिस्प्ले आफ्टर ए पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी. अनचेंजिंग द कंप्यूटर डिस्प्ले मीन्स ये कंप्यूटर डिस्प्ले को चेंज नहीं करता है. जब इनएक्टिव होता है कंप्यूटर उसी समय पे ये आता है. जब आप माउस को मूव कर दोगे या कीबोर्ड का कोई भी एक बटन आप क्लिक कर दोगे तो स्क्रीन सेवर जो है वो हट जाएगा. ठीक है, वो न्यू जो आपका ओरिजिनल डिस्प्ले था जो पहले से आपने उसको यूज कर रखा है वही आपके डिस्प्ले पे शो होगा. ओके, अब ये क्वेश्चन आते हैं कि हम लोग ऐड कैसे करेंगे किसी पिक्चर्स को या किसी टेक्स्ट को. टेक्स्ट में जो अपने नेम या किसी के नेम को या कोई भी इन्फॉर्मेशन को, तो वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ. स्टेप्स फॉर एडिंग स्क्रीन सेवर, एडिंग पिक्चर इन स्क्रीन सेवर. ये हो सकता है इसका एडिंग, आप इसे राइट जरूर कर लेंगे नोटबुक में. आप इसका नोट क्रिएट जरूर करते चलेंगे. अब आपका स्टेप फर्स्ट है, स्टेप्स फॉर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? स्टेप्स फॉर पर्सनल पिक्चर्स स्टेप फॉर यूजिंग पर्सनल पिक्चर्स एज ए स्क्रीन सेवर. आप इसको टॉपिक दे करके आप लिख सकते हैं. ठीक है, सबसे फर्स्ट है राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप. राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप एंड चूज पर्सनलाइज ऑप्शन. सेकेंड स्टेप होता है, जब भी आप माउस को राइट क्लिक करेंगे तो उसमें सबसे लास्ट ऑप्शन ब्लैंक एरिया में जब आप उसको राइट क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट ऑप्शन आपको मिलेंगे जो होगा पर्सनलाइज. और उस पर्सनलाइज पे जब आप क्लिक करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, क्लिक स्क्रीन सेवर.
ओके स्प्रिट सेवर एंड स्लिप स्क्रीन सेवर शेडिंग ऑप्शन सेटिंग्स ऑप्शंस ओके नाउ थर्ड स्टेप क्या होगा देखिए इसमें दो स्टेप ऐड किया हुआ क्लिक स्क्रीन सेवर स्क्रीन सेवर को जैसे ही आप ऐड करेंगे ये छोटा सा विंडो ओपन होगा और उसमें आपको स्क्रीन सेवर सेटिंग्स ऑप्शन में जाना है उसके बाद आपको जो भी चीज ऐड करना है पिक्चर ऐड करना है या टेक्स्ट या नेम ऐड करना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर से यूज करते हैं ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कैसे यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग यूज यही करेंगे कि क्लिक स्क्रीन सेवर ड्रॉप डाउन ऑप्शन ड्रॉप डाउन ऑप्शन का मीनिंग होता है कि जब भी आप स्क्रीन सेवर ऑप्शन को ओपन करोगे तो यहां पे नन लिखा हुआ होगा और यहां पे एक एरो बना हुआ होता है इसको मैं ड्रॉप डाउन बोलते हैं ड्रॉप डाउन मीन होता है कि इसका ये जैसा सिंबल आपको दिखता है इसका मीनिंग्स होते हैं कि जिसको इस पे जब आप माउस को क्लिक करोगे तो कुछ न कुछ उसमें से और सारे ऑप्शन निकलेंगे जो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ शो करेंगे या तो ड्रॉप डाउन या ड्रॉप अप ड्रॉप अप तब होता है जब एकदम लास्ट पोजिशन पे अगर आप उस चीज को ओपन कर रहे हो जहां पे स्पेस नहीं होता है डिस्प्ले का तो वो ऊपर की तरफ आएगा अदरवाइज वो हमेशा नीचे की तरफ होता है इसीलिए हम लोग उसको लिखते हैं ड्रॉप डाउन ओके उसके बाद क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे या तो आप पिक्चर लो या सिलेक्ट उसके बाद आप कर सकते हो क्लिक सिलेक्ट फोटो ऑप्शन एंड देन चूज ए फोटोज और लार्ज क्लिक सेव ऑप्शन ये हो गया आपका इसका टोटल स्टेप नेक्स्ट ऑप्शन इसका आएगा अरेंजिंग मल्टीपल विंडोज इससे पहले हम लोगों ने अरेंजिंग मल्टीपल आइकॉन्स पढ़े थे अब हम लोग पढ़ेंगे अरेंजिंग मल्टीपल विंडोज ओके अरेंजिंग मल्टीपल विंडोज विंडोज मीन्स कि जब भी हम लोग टू और मोर देन विंडो ओपन किए हुए हैं उसको हम लोग कैसे अरेंज करते हैं उसको अरेंज करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं जैसे आपने पेंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर एमएस पेंट ओपन कर रखा है एमएस वर्ड ओपन कर रखा है या वर्डपैड या नोटपैड तो सभी आइकॉन सभी विंडोज को हम लोग ये चाहते हैं कि एक साथ ही अरेंज हो जाए या तो वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कहने का सेंस कि अगर ये डिस्प्ले है और आपने वर्ड पर नोट पर सब खोल रखा है ओपन कर रखा है तो क्या होगा यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या दिखेगा वर्ड पैड पेंटिंग नोट पैड ओके तो आप जब इसको चाहेंगे कि विंडोज को अरेंज करो तीनों विंडो एक ही साथ खुले तो जैसे यहाँ पे ये वर्ड एमएस पेंट हो गया ये नोट पैड हो गया ये वर्ड पैड जैसे ये वर्ड पैड हो गया ये नोट पैड हो गया और ये एमएस पेंट हो गया तो हम लोग इसको ही बोलते हैं अरेंजिंग मल्टीपल विंडोज जब नंबर ऑफ विंडोज को एक साथ ओपन करते हैं और उसको अरेंज कर लेते हैं वो होता है मेरा अरेंजिंग मल्टीपल विंडोज
जो हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे इसका स्टेप होगा, ठीक है। वैसे तो बहुत इजी स्टेप है, एक से दो स्टेप में ही मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे आई एम यूजिंग मल्टीपल विंडोज। ओके।